हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा राशन कार्ड से मेंबर को कैसे हटाना है। यानी आपके राशन कार्ड में यदि किसी मेंबर का नाम हटाना आप चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है कि आसानी से जो है कि अपने मेंबर का नाम जो है कि हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। मेरा नाम सुधीर, आप सभी का ट्रू हेल्प यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पे मिल पाएंगे वीडियो नीचे रेड कलर से लिखा सब्सक्राइब बटन टच करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन से प्रेस कीजिएगा और पे क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं सिखाता हूँ कैसे अपने मेंबर का नाम डिलीट करना है। यहाँ पे मैं जैसे प्याज का यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ राशन कार्ड ऑनलाइन। यदि आप राशन कार्ड प्रिंट आउट करना चाहते हैं, मतलब राशन कार्ड का कॉपी बनाना चाहते हैं, कुछ इस प्रकार का सैंपल्स मैं आपको दिखा दूं। इस प्रकार के यदि आप बुक बनाना चाहते हैं तो आप जो है कि बहुत ही आसानी से बुक बना सकते हैं। इस प्रकार का मेरे YouTube चैनल पे पूरा वीडियो है। आपको मैं वीडियो का लिंक देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे ट्रू हेल्प लिखना है और यहाँ पे चैनल पे आ जाना है। ठीक है, चैनल के सेक्शन को खोल लेना है, यहाँ पे वीडियोस के सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पे आप जो है कि सर्च कर सकते हैं राशन कार्ड प्रिंट। ये मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इस प्रकार के जो है कि राशन कार्ड प्रिंट से रिलेटेड वीडियो है, जो कि सबसे आपको इम्पोर्टेंट वाला वीडियो ये वाला है। ठीक है, ये वाला वीडियो आप जब देखिएगा तो आपको सारा चीज़ डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। सो इस वीडियो का लिंक, अभी जो मैंने वीडियो दिखाया राशन कार्ड प्रिंट वाला वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, इसे ओपन कर लेना है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर विजिट कर पाएंगे आप। सो यहाँ पे कार्ड होल्डर लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड सेक्शन का एक ऑप्शन मिल रहा है, सो इसे मैं न्यू टैब में ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप जो अपने कार्ड में जो है कि चेंजिंग करते हैं तो उसके लिए जो है कि आपको एक फॉर्म प्रिंट करना होगा, जो कि यहाँ पे जो है कि मैं नाम जो है कि हटाना है, रिमूव करना है मेंबर को। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म टू रिमूव मेंबर पे क्लिक करके और इस फॉर्म को जो है कि स्टार्ट कर देना डाउनलोड के लिए। तो इसे मैं देखिए ओपन हो गया। इस फॉर्म को जो है कि आपको प्रिंट आउट कर लेना है और इसमें जो है कि कार्डधारी नाम यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे राशन कार्ड संख्या यहाँ पे डालना है और यहाँ पे जो सदस्य का नाम हटाना चाहते हैं सदस्य के यहाँ पे नाम डालना है और संबंध क्या है कार्ड से, जो कार्डधारी है उससे यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे जो है कि अपने उसके लिए विकल्प को यहाँ पे चूज कर लेना है और यहाँ पे स्थान दिनांक हस्ताक्षर नाम यहाँ पे फिल करके इसे स्कैन करके अपलोड कर देना होता है। जो तो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, ठीक है, राशन कार्ड के लिए लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं UID बेस्ट लॉगिन है, आधार कार्ड से जो है कि लॉगिन हो सकता है। यहाँ पे लॉगिन एज राशन कार्ड नंबर एंड पासवर्ड से यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप राशन कार्ड नंबर डाल दीजिएगा और यहाँ पे कार्ड का टाइप सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे जिसके नाम पर भी राशन कार्ड होगा, जिसके नाम से जो है कि राशन कार्ड होगा उस व्यक्ति का आधार संख्या यहाँ पे लास्ट 8 डिजिट फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना है। मैं ये करता हूँ जल्दी से। यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। आप भी अपना राशन नंबर एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिएगा, इस प्रकार से खुलेगा। इधर साइड पर में आप देख सकते हैं जो भी राशन कार्ड में चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे सारा ऑप्शन है। सो यहाँ पे अपना जो भी चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप अपना सदस्य के नाम हटाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए सेम टू सेम। तो यहाँ पे मैं परिवार के सदस्य को हटाना ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इस प्रकार डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना हेड फैमिली मेंबर को चूज कर दीजिएगा, जो भी आप यहाँ पे फैमिली मेंबर चूज कीजिएगा उसका आधार नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आधार नंबर फिल कर देना है उस फैमिली मेंबर का जिसका नाम यहाँ पे आप सिलेक्ट किए हैं। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आपका इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट मेंबर पे क्लिक करके यहाँ पे मेंबर को चूज करना है, जो भी मेंबर का नाम डिलीट करना चाहते हैं उस मेंबर को यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे रीजन सिलेक्ट करना है, जो भी आप रीजन देना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रीजन सिलेक्ट कर लीजिएगा।
यहाँ पे मैं पर्सन और फैमिली डज नॉट एग्जिट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे उस फॉर्म को अपलोड कर दीजिए, जो फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके फिल करके स्कैन करना था, उस फॉर्म को यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके चूज कर लेना है। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे मेरा रखा हुआ है, स्कैन कर लिया था मैंने। यहाँ पे मैं जो हूँ कि फॉर्म को चूज करता हूँ, यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, इस प्रकार से जो है कि एक पेज ओपन होगा, जिसे इस पेज को जो है कि आप प्रिंट आउट करके रख लेना है, ठीक है। और यदि आप कस्टमर का करते हैं तो इस कॉपी को जो है प्रिंट आउट करके उसे दे देना है, और उसे बोल भी देना है कि आप इस कॉपी को, एक कॉपी अपने पास रख लेना है, और एक कॉपी फोटो कॉपी करके और आधार कार्ड का फोटो कॉपी, राशन कार्ड का फोटो कॉपी, ये तीनों फोटो कॉपी करके ईमो ऑफिस में जाकर इस फॉर्म को और सारे डॉक्यूमेंट पिन करके जमा करना है, जिससे जो है आपका जल्द से जल्द मेंबर का नाम डिलीट हो पाए राशन कार्ड से। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिलता रहेगा।